राघुगढ़ का सियासी किला पूरे एमपी में अभेद है और यहां से जयवर्धन सिंह कांग्रेस से मैदान में है। उनकी इस विधानसभा सीट की खास बात यह है कि वो जनता के दिल जीतने में जुटे हुए हैं। बिना किसी आडंबर के यहां के युवराज गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं। इलेक्शन यात्रा के दौरान एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ खास बातचीत में जयवर्धन सिंह बोले कि जय वीरू अब गब्बर का खात्मा करके ही रहेंगे और लोकतंत्र के हत्यारों को सही जवाब इस चुनाव में मिल जाएगा। देखिए खास बातचीत। ये राघोगढ़ का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कहा जाता है कि जय जय जयवर्धन सिंह, यही नारा गूंज रहा है और मिशन 2023 की ये वो रंगत है, ये वो नज़ारा है जहां पर ग्रामीणों के बीच बेहद लोकप्रिय नज़र आते हैं राघोगढ़ किले के युवराज जयवर्धन सिंह जी। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जनता इतना प्यार दुलार उन पर बरसा रही है, कहीं साफा पहना रही है, कहीं विजय तिलक लगा रही है। ऐसे में कुछ अनमोल पल हमने भी उनसे चुराए हैं और चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की बात उनके साथ करने की शुरुआत कर रहे हैं। जयवर्धन सिंह जी, ये राघोगढ़ का वो इलाका है, चौड़ाखेड़ी ये गांव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्यार दुलार और युवाओं की एक लंबी सेना आपके पीछे कदम ताल कर। हमें इस बात की खुशी है सर कि आपको भी आज चौड़ाखेड़ी की मशहूर चाय चखने का मौका मिला है। चौड़ाखेड़ी हमारा एक बहुत ही एक अच्छा बड़ा गाँव है। हमारे संबंध यहाँ हर परिवार के साथ हैं। सभी जो हमारे ग्रामवासी हैं, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी माता बहनें हो या फिर हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका सदैव मुझे यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उनकी सेवा में हाजिर होने का, उनकी जो भी कुछ समस्याएँ हैं, जन समस्याएँ हैं, उनका निराकरण करने का। और आज आप भी यहाँ पधारे, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें विश्वास है कि चौड़ाखेड़ी का इस बार पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, हमें मिलेगा और अच्छी हमको जीत यहाँ प्राप्त होगी। एक फीडबैक, पब्लिक फीडबैक था कि यहाँ पर आप प्रजा की सेवा करते हैं और आप सेवक की तरह हैं, किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक जन सेवक की तरह जो है आप कदम ताल करते हैं। बड़ी बात यह है कि आपके पिता दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि अब वो विधानसभा की तरफ कभी नहीं आएंगे, प्रचार वो कर भी नहीं रहे, पूरी तरह से कमान जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कितना अनुभव हो रहा है इस बार, जीत के आंकड़े को क्या आश्वस्त कर रहे हैं देख करके? जी, 10 साल पहले उन्होंने कहा था आखिरी सभा में कि मैं पहली बार और आखिरी बार इनके लिए मैं मतदान के लिए मैं सिफारिश करूंगा। उनने कहा था कि इसके बाद वो जाने और आप लोग जानो, तो मैंने तो हमेशा निस्वार्थ रूप से प्रयास किया है। जो भी समस्याएं मेरे बीच आई हैं, हर एक गांव की, चाहे समस्या सार्वजनिक हो या फिर समस्या निजी समस्या हो, लेकिन अगर बात जायज है और कोई समस्या ऐसी है जिससे कि अपन कुछ भला कर सकते हैं उसको निराकरण करने से, तो मैंने उसका निराकरण भी किया है। जो कुछ ऐसे काम होते नहीं हो पाते फिर हम आगे उनको करवाते हैं, जब भी समय आगे मिल जाता है हमको, तो इस प्रकार से। लेकिन मूल बात है संपर्क रहना चाहिए, संपर्क कभी ना टूटे, विश्वास कभी ना टूटे और इसके साथ साथ कभी किसी बुरा ना हो मेरा, क्योंकि आखिर मैं विधायक हूँ, जनता ने मुझे मत दिया है तो उनके मत का सम्मान होना चाहिए है, उनका सम्मान होना चाहिए है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए है, ये हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है। अभी जिस वक्त हम यहाँ प्रचार के दौरान आपसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं नन्हे नन्हे, वो भी आपके फैंस हैं और जब आप गली से गुजरने वाले थे तो वो नारे लगा रहे थे। और एक बार एक स्टार प्रचारक, छोटे से नन्हे प्रचारक हम उनको भी देख रहे हैं, सहस्त्र जय सिंह, कुंवर सहस्त्र जी भी बहुत पसीना बहा रहे हैं, माइक उनके हाथों में है, चुनाव के भाषण दे रहे हैं, उनके माथों पर भी तिलक लगा रही है जनता, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं? पिता ने तो कहा है कि अब आप अपनी विरासत संभालिए, जनता की सेवा कीजिए, लेकिन छोटे नवाब जो हैं, छोटे कुंवर साहब, वो भी जो है मैदान में कूद पड़े। उसको शौक तो है जनता के बीच घूमने का, लेकिन मैंने उसको बैन कर दिया है, मैंने मना कर दिया उसको माइक पकड़ने से, क्योंकि क्या है कि अभी उसकी उम्र पढ़ाई करने की है। और मेरे साथ भी यही स्थिति थी कि हमेशा मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि तुम पहले पढ़ाई पूरी करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर डिग्री प्राप्त करो, उसके बाद जो करना तुम करो, लेकिन हर युवा को, हर बच्चे को पहले पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, सभी विषयों पर अध्ययन करना, हमारे संस्कृति के बारे में,
हमारे धर्म के बारे में, हमारे क्षेत्र के इतिहास के बारे में वो अध्ययन करे, हर चीज़ समझे, उसका ग्रेजुएशन पूरा करे, डिग्री पूरी प्राप्त करे, कुछ साल वो बाहर कहीं नौकरी भी करे, तो फिर हम और उसके बाद जो करना है वो खुद स्वतंत्र है तय करने के लिए। लेकिन जो हमारे जो सब यहाँ जो बच्चे हैं आज, इनका भविष्य भी बहुत सुरक्षित हो, उज्ज्वल हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आ जाओ इसके लिए, यहाँ आ जाओ, ऐसे आ जाओ। इनके लिए हमने तय किया है कि इस बार आपने सुना भी होगा, कांग्रेस ने कहा है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 और 8 के बीच में, उनको कांग्रेस सरकार प्रति माह 500 रुपये देगी। जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 9 और 10 में, उनको कांग्रेस सरकार प्रति माह 1000 रुपये देगी। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 11वीं 12वीं में, उनको कांग्रेस सरकार प्रति माह देगी 1500 रुपये। उद्देश्य ये है कि प्रोत्साहन राशि टाइप की है, क्योंकि आज अगर हम देखें विशेषकर कोरोना काल के बाद सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बहुत हुआ, बहुत बच्चों ने मतलब पढ़ाई करना बंद कर दिया। तो हर सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको विद्या मिलनी चाहिए। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इन सब का भविष्य उज्जवल हो, इनके जो सपने हैं, इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, ये हमारा उद्देश्य है। बीजेपी एक बार अपने भाषणों में इस बार काउंटर कर रही है जय और वीरू की जोड़ी को, तो क्या आप भी कुछ अनुभव कर रहे हैं? जय और वीरू की जोड़ी को इतना क्यों घेरा जा रहा है, इतना क्यों कटाक्ष किया जा रहा है, स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, इस फिल्मी सीन के बारे में क्या कहेंगे? जय और वीरू शोले के हीरो थे और उनने वो गब्बर का के घमंड को ख़त्म किया था। तो इसी प्रकार से जो हमारे जय और वीरू हैं कमलनाथ जो दिग्विजय सिंह जी, वो भाजपा के अहंकार और घमंड को ख़त्म करेंगे इस बार और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पसीना बहा रहे हैं, गुना शिवपुरी पर बहुत फोकस है उनका, कुछ रंग लाएगी उनकी मेहनत? और आपको क्या लगता है अब युवराज बनाम महाराज का भी एक सीन संग्राम दिखाई दे रहा है इस मिशन 2023 में? लोकतंत्र में कोई युवराज नहीं होते, कोई महाराज नहीं होते, जनता राजा होती है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई 70 साल पहले। हम सब लोग एक सम्मान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सिंधिया जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विषय अब नहीं बचा है, ये भाजपा का विषय है। भाजपा तय करे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो ज़रूर कहूँगा, जो कुछ हुआ 2020 में वो सही नहीं था लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जनता चुनती है विधायक को 5 साल के लिए, और अगर मैं स्वयं, अगर मैं जयवर्धन सिंह मेरे बीच कार्यकाल में जनता के मत को बेच दूँ तो मुझे कोई कभी माफ़ नहीं करेगा। और यही हुआ था इन लोगों के द्वारा, इन लोगों ने जनता के विश्वास को तोड़ा, बीच कार्यकाल में पद से इस्तीफा दे दिया, दूसरी पार्टी में चले गए। ये पूर्ण रूप से अपमान था लोकतंत्र का, और इसीलिए जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस को 5 साल का मौका मिले। 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है, सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है ताकि कमलनाथ जी ने जो शुरुआत की थी जिन कामों की, वो शेष काम पूरे हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। 2018 में तो आप नगरीय प्रशासन मंत्री थे, 2023 में उप मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल ही नहीं उठता। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब इतने बड़े दिग्गज नेता उस पद पर रहेंगे तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो भी कुछ और काम हमको दिया जाएगा हम करेंगे। जैसा प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? हमारा अनुमान है कम से कम 150 सीटें आएंगी, और जैसे ही समय पास आएगा तो माहौल और बनेगा कांग्रेस के पक्ष में। राघोगढ़ जीत का इतिहास लिखेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि राघोगढ़ का एक एक मतदाता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगा। चेहरे पर मुस्कान है, सादगीपूर्ण चेहरा है, जनता के सेवक हैं, राजा नहीं, युवराज नहीं, बल्कि खुद को जनसेवक की भावना के साथ अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। नन्हे नौनिहालों के भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं और जय वीरू की जोड़ी को लेकर सियासी तौर पर एक सूझबूझ भरा जवाब भी दे रहे हैं। राघोगढ़ के और नज़ारे आपको बताएंगे, चुनावी चाय की चुस्कियों का स्वाद भी बताएंगे, जनता के दिलों में कैसे राज करते हैं दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी, वो तस्वीरें भी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP News राघोगढ़।